हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशंस। कैसे हो आप लोग? आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग वीडियो के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का कलर्स चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इस क्लिप में देख रहे हो कि हमारे पास ये फ्लावर्स हैं, इनका येलो कलर है। इस कलर को हम लोग इस वीडियो में चेंज करेंगे। आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए सीखना। और इस वीडियो में हम लोग कोई भी बाहर से इफ़ेक्ट नहीं यूज़ करेंगे। हम जो प्रीमियम प्रो के अंदर इनबिल्ट इफ़ेक्ट्स होते हैं उन्हें ही यूज़ करके ये इफ़ेक्ट मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि हमने अपनी क्लिप को प्रीमियम प्रो में इंपोर्ट किया हुआ है और इसी क्लिप में जो फ्लावर्स के कलर हैं उन्हें हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट मैं आपको जो मेथड बताऊंगा उसके लिए हम इफेक्ट यूज करेंगे चेंज कलर। ओके, तो आपने करना क्या है कि आप जो ये हमारे पास ये पैनल आ रहा है, आप इसमें यहाँ जो एरोज हैं इन पर क्लिक करोगे और यहाँ इफेक्ट्स पर क्लिक कर दोगे। ओके, इफेक्ट्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ सर्च में टाइप करेंगे चेंज कलर। चेंज कलर जो होता है हमारे वीडियो इफेक्ट के अंदर, कलर करेक्शन के अंदर चेंज कलर इफेक्ट होता है। आपने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपनी वीडियो क्लिप पर। जब आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लोगे तो आप जाओगे इफेक्ट कंट्रोल के अंदर। ठीक है, तो हम इस इफेक्ट कंट्रोल पर जाएंगे और हम नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे और ये रहा हमारा चेंज कलर इफेक्ट। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है चेंज कलर टू चेंज। इसके सामने हमें एक कलर दिया गया है और सेकंड हमारे पास एक इंक पिकर, कलर पिकर टूल है। आप इसे सिलेक्ट करोगे और अपनी वीडियो क्लिप में से जिस कलर को आप चेंज करना चाहते हो उसे आप पिक कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे। तो आप देख रहे हो कि हमारा येलो कलर यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। फिर हम जाएंगे ह्यू ट्रांसफॉर्म पर। आपने इसे इंक्रीज करना है, जिस तरह के कलर आपको चाहिए उस उतना इसे आप चेंज कर लीजिए। जैसे आप देख रहे हो कि ये हमारा कलर क्या है, ग्रीनिश हो चुका है। तो आपको जैसा कलर चाहिए हम उतनी वैल्यू यहाँ पर सेट कर लेंगे। फिर ये लाइटनेस है, आप इसे भी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके देख सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें एडजस्ट कीजिए और जैसा कलर आपको बढ़िया लगे हमने यहाँ पर यूज़ कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि मैं वन बाई वन अपनी सेटिंग्स को चेंज करके देख रहा हूँ और जहाँ पर मुझे लग रहा है कि मेरा कलर सही हो चुका है वहाँ पर मैं इसे छोड़ दूँगा। ओके, तो हमने यहाँ इसे 24 कर लेते हैं। अब अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारे जो हाथ है उस पर भी थोड़ा हरा हरा कलर दिखाई दे रहा है। तो इस वैल्यू को आप थोड़ा और डिक्रीज कर दीजिए, वो रिमूव हो जाएगा। जैसे मैंने इसे 21 कर दिया है मैचिंग टॉलरेंस को। अब अगर इसे हम बड़ा करके देख रहे हैं तो वो हमारा कलर रिमूव हो चुका है। बाकी ये वाइट फ्लावर पर भी थोड़ा सा हरा कलर दिखाई दे रहा है। तो आप वैल्यूज को इंक्रीज डिक्रीज करके इसे रिमूव कर सकते हो। तो ये रहा हमारा फर्स्ट इफेक्ट चेंज कलर, जिसकी हेल्प से हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस इफेक्ट को मैं डिलीट कर देता हूं। ओके, सेकेंड है हमारे पास ये चेंज कलर के नीचे आप देखोगे है चेंज टू कलर। इस इफेक्ट को भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और उसके बाद इफेक्ट कंट्रोल के अंदर आ जाइए। यहां पर हमें दो कलर पिकर मिल रहे हैं, एक क्या फ्रॉम टू। फ्रॉम का मतलब क्या है कि कौन से कलर को हम पिक करना चाहते हो। हमने यहां पर येलो सिलेक्ट कर लिया। टू का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, कि हमने कौन से कलर में इस कलर को ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है। तो आपने यहाँ पर जो कलर आपको चाहिए आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और इस कलर को
बार को अप डाउन करके अपने मनपसंद कलर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखोगे कि हमारे कलर चेंज हो चुके हैं। बाकी अगर आपको इसमें कुछ इश्यू लगे तो आप इन वैल्यूज को कम ज़्यादा करके उन्हें एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं एक बार आपको ये भी बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हमारा रेड कलर में। वैसे ये हमारे जो फ्लावर्स हैं ये शायद टूलिप है, बट अब इसे हमने रेड कलर करके रोज में गुलाब में चेंज कर लिया। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स आगे चलते हैं अपने थर्ड इफेक्ट की तरफ। तो हम चेंज टू कलर को डिलीट कर देते हैं। ओके, तो थर्ड है जो हमारा इफेक्ट वो है कलर रिप्लेस। तो उसके लिए आपने यहां पर सर्च करना है कलर रिप्लेस। कलर रिप्लेस हमारा वीडियो इफेक्ट के अंदर इमेज कंट्रोल के अंदर होता है। इसे भी सेम हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, उसके बाद हम टारगेट कलर में से कलर पिकर को लेंगे और अपने कलर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रिप्लेस कलर में जाएंगे आप, आपने जैसा कलर आपको चाहिए उस तरह का कलर आप यहां पर सिलेक्ट कर लोगे और ओके पर क्लिक कर दोगे। अब यहां पर देखिए कलर नहीं क्रिएट हुआ है, बढ़िया। तो अब आपने यहां सिमिलरिटी में जाकर इस वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज करना है। जैसे जैसे आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी आप देखोगे कि हमारा ये कलर सेट होता जा रहा है। ठीक है, तो हमने लगभग इसे 32 के करीब कर लिए। तो ये आप कम ज़्यादा करके चेक कर लोगे कि कितनी वैल्यू पर ये सही शो हो रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड ये हमारा हो गया थर्ड इफेक्ट। अब हम चलते हैं आगे। अब इस कलर रिप्लेस को भी हमने डिलीट कर दिया। अब आप क्लिक करोगे यहाँ, अब तक हम एडिट पैनल में काम कर रहे थे, अब हम चलेंगे कलर्स पैनल में। कलर पैनल के अंदर हमने जाना है ल्यूमिनिटी कलर में, बट हमारा ल्यूमिनिटी कलर नहीं शो हुआ है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम जाएंगे विंडोज में। विंडोज के अंदर आप यहां पर सर्च करोगे ये रहा ल्यूमिनिटी कलर। मेरे भी टिक हटा हुआ था, इस वजह से नहीं आया था ये पैनल। अगर आपके साथ भी ये इशू क्रिएट होता है तो आपने भी विंडोज में जाके उस पैनल को ओपन कर लेना। तो यहां पर हम जाएंगे HSL स्कैन रेट। यहां पर फ्रेंड आपको ये तीन कलर पिकर मिलेंगे, अपने फर्स्ट वाले कलर पिकर पर क्लिक करके इस कलर को सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका कि आपने यहां से कलर पिक किया और कलर आपने जो चेंज करना है सिलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट में से। आप क्लिक करोगे कलर ओब्लिक ग्रे पर। यहां पर क्या होता है कि जो कलर हमने पिक किया है उसे छोड़कर बाकी सारे जो हमारे कलर होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। अब फ्रेंड आपने क्या करना है, जो ये HSL वैल्यूज हैं इनको आपने थोड़ा कम ज्यादा करना है। तो जैसे जैसे मैं ये वैल्यूज को इंक्रीज करूंगा तो आप देखोगे कि हमारा जो कलर्स हैं वो वहां पर बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें थोड़ा थोड़ा तीनों सेटिंग्स को हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो आप देख रहे हो कि हमारा फ्लावर तकरीबन तकरीबन सारा सिलेक्ट हो चुका है। ओके, अब हम फ्रेंड चलेंगे आगे। तो आपने ये जो कलर ग्रे ऑप्शन को सिलेक्ट किया था इसे आप अनसेलेक्ट कर दीजिए। फिर आपने ये जो हमारे पास करेक्शन सर्कल है इसमें से जो कलर आप देना चाहते हो उस तरफ को अपने माउस को सिलेक्ट करके मूव कीजिए। तो आप देखोगे कि हमारे कलर्स में थोड़ा फर्क पड़ चुका है। अब हम इनके टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज कर सके, यहाँ से थोड़ा इसे एडजस्ट कर लेंगे, सेट कर लेंगे। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज करोगे आपके कलर में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो आपने शार्पनेस सैचुरेशन जैसा आपको कलर चाहिए आप यहाँ से वैल्यूज़ को एडजस्ट करके क्रिएट कर सकते। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास तीन इनबिल्ट इफेक्ट। फोर्थ था हमारा लिमिटी कलर्स, और लिमिटी कलर्स के अंदर हमने ऑप्शन यूज़ किया HSL सेकेंडरी। तो इन चार ऑप्शंस की हेल्प से आप वीडियो के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को रिप्लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाकी मेरे जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल का आइकन भी दबाएं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।